नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी है। आज एमसीडी की पहली बैठक में ही हंगामा हो गया। इस बैठक में एकीकृत दिल्ली नगर निगम के पहले मेयर और इस दौरान डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। आज सुबह ही निगम मुख्यालय में सिविल सेंटर में पार्षदों का शपथ ग्रहण होना था, लेकिन हंगामे की वजह से सदन का काम बाधित हो गया। अब मेयर चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी, जिसमें अधिनियम की धारा 77 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने वाली बैठक की अध्यक्षता के लिए पार्षद सत्या शर्मा को नामांकित किया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के मेयर पद के लिए शैली ओबराय को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं विकल्प के तौर पर आशु ठाकुर को भी बैठक में मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए पार्षद रेखा गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया है। इसी प्रकार डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने पार्षद आलिम मोहम्मद इकबाल को उतार लिया है। विकल्प के तौर पर पार्षद जलज कुमार ने भी नामांकन किया है। वहीं बीजेपी ने इस पद के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। इस क्रम में आपकी ओर से स्थानीय समिति सदस्य के लिए मोहिनी सारिका चौधरी और साथ ही मोहम्मद आमिल मलिक और साथ ही रमिंदर कौर को मैदान में उतारा गया है, जबकि बीजेपी ने इन पदों के लिए कमलजीत सहरावत और साथ ही पंकज लूथरा का नामांकन किया है। निर्दलीय पार्षद गजेंद्र सिंह दराल भी स्थानीय समिति सदस्य के लिए मैदान में है। अब खबर झांसी से है, जहां पर पुरानी तहसील स्थित रजिस्ट्री दफ्तर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने कार्यालय में छापा मार दिया। डीएम ने दफ्तर में चल रही दस्तावेजों की रजिस्ट्री करा रहे थे से लोगों से बातचीत कर इस मामले की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने पूछताछ की तो वे सकपका रह गए। इस दौरान 9 युवकों को दलाल मानते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में 2 युवकों को किसी प्रशासनिक अधिकारी के कहने पर छोड़ देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी 7 के खिलाफ धारा 419, 320, 384 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं तहसील अधिवक्ताओं ने बाढ़ संघ अध्यक्ष उदय राजपूत और महामंत्री छोटे लाल वर्मा के साथ नगर मजिस्ट्रेट से बुलाकर बता दें कि मुलाकात कर पकड़े गए युवकों को तहसील वकीलों का मुंशी बताते हुए सभी को छोड़ने की मांग की है, लेकिन 2 छोड़े गए हैं, बाकी पर मुकदमा अभी भी दर्ज है। झांसी के कानपुर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे का रोड पर होल्ड जारी है। लगातार 5वें दिन भी झांसी के कानपुर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और रात 10 बजे लगातार बता दें कि इस दौरान रात 10 बजे लगभग एक और भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसके बाद से झांसी कानपुर मार्ग अवरुद्ध रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची है और स्थानीय पुलिस और साथ ही NHI के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों के बीच सड़क हादसा को हटाया है। साथ ही बता दें कि सड़क से हटाया गया इन 2 ट्रकों को और साथ ही इस दौरान यातायात सुचारू की गई है। इतना ही नहीं, रात 10 बजे घने कोहरे से मोटी परत नेशनल हाईवे की दोनों तरफ की सड़क में सुबह होने तक अपने आगोश में लेती रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम देखने को मिली है, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर फराटा भड़कने वाली वाहन आपस में ही टकरा जाते हैं। वाहन में आपस में भिड़ंत होने से नेशनल हाईवे पर कई कई घंटे तक लंबा जाम लगा रहता है। इसके अलावा हाईवे पर बने पेट्रोल पंप भी सेल पर भी कोहरे की मार पड़ी हुई नजर आती है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर बस अड्डों के नाम बदलने की योजना बन रही है। यहां जल्द ही 4 बसों के बदले जाएंगे और साथ ही 4 बसों के अड्डे का नाम यहां बदला जाएगा। और साथ ही बता दें कि 4 बाग बस अड्डों का नाम भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होगा। वहीं केसरबाग बेगम हजरत महल पार्क कहलाया जाएगा और साथ ही अहमबाग बस अड्डे का वीरांगना उदा देवी होगी। साथ ही बता दें कि इस दौरान बस अड्डे ठाकुर रोशन सिंह नाम से भी जाना जाएगा। साथ ही लखनऊ की तर्ज पर बस अड्डों का नाम यहां बदला जा रहा है और यहां ही बस अड्डों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साथ ही महापुरुषों के नाम पर बदलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं।
झांसी जनपद के चुरगांव थाना क्षेत्र में रात में अवैध बालू का खनन होता है, वहीं जेसीबी से भरे जा रहे डंपर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं यह वीडियो चुरगांव थाना क्षेत्र के पड़ने वाले महेवा और साथ ही खेरा घाट के यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर नदियों पर सीना चीर कर यहां अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही बता दें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहां रातों रात ये खनन होता रहता है और पुलिस साथ ही खनिज विभाग की इसकी भनक भी नहीं लगती। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बालू से भरा हुआ ट्रैक्टर यहां पर खड़ा है और किस तरीके से जेसीबी की मदद से यहां पर खनन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में लाइव देखिए किस तरीके से यहां पर खनन होता है और साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिनेशपुर के सब्जी मार्केट में आपको बता दें कि सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट और साथ ही टेक्नोलॉजी साइंस कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा लोगों को जागरूक और कोविड वैक्सीन लगाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को वैक्सीन के टीके भी लगाए गए हैं। इस दौरान कॉलेज की टीचर ऋचा तिवारी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर बच्चों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा लोगों नाटक परफॉर्म किया है, जिसके थ्रू हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी फिर से कोरोना के केसेस जैसे राइज होने लग गए, तो लोगों को इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग मिले नहीं, अब फिर से लॉकडाउन की कंडीशन ना आए, तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों को लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या नाम है आपका? ऋचा तिवारी सर। वहीं बाराबंकी में शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर उपमिश्रित शराब के कारोबार से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। अभियुक्तगण विगत 10 से 12 वर्षों से धोखाधड़ी और साथ ही कुछ रचित और अवैध उपमिश्रित शराब कारोबार कर रहे थे, जहां पर पुलिस ने प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सक्रिय सदस्यों के लगभग 60 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्कित की है। वहीं हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में पूरे मितई निवासी नवीन जायसवाल और प्रदीप जायसवाल के द्वारा इस दौरान राम कुमार जायसवाल की संपत्ति पूरी तरीके से कुर्क की गई है। वहीं थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में गिरे हुए मोबाइल फोन को बरामदगी की गई है। साथ ही प्रशासन सिविलाइन सेल तेजपाल सिंह के नेतृत्व में मोबाइल रिकवरी की टीम द्वारा गठन कर जल्द बता दें कि आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह उप पुलिस अधीक्षक बता दें कि नगर के निर्देश पर सिविलाइन सेल की मोबाइल रिकवरी टीम द्वारा गठित परिश्रम करते हुए विभिन्न कंपनी में 100 कीमती मल्टीमीडिया मोबाइल हैंडसेट की कीमत करीब 17 लाख रुपए को बरामद करने के लिए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। बरामद किए गए मोबाइल हैंडसेट को पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उनके स्वामियों को सुपूर्द कर दिया गया है। और बता दें कि अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर बता दें कि यहां पर एक साल से क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत किया गया है और साथ ही बता दें इस खबर का काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी, इसके बाद से इस खबर का काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला है। यहां बता दें कि यहां जो ये पुल है ये काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त चल रही थी और हमारे चैनल द्वारा संचालित की गई इस खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल एक साल से क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत शुरू हो चुकी है और इस रिपटा पुल की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण को लेकर हमारे न्यूज चैनल के द्वारा संचालित की गई खबरों के बाद ये हरकत में आई है। प्रशासन लगातार हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय विधायक रवि बहादुर और जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद नदीम ने क्षतिग्रस्त हुए इस रपटा पुल के मरम्मत निर्माण कार्य का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया है।
यूपी के संभल जिले में दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवक ने अपनी ही बहन को प्रेमी के साथ घर में आपत्तिजनक हालत में देखकर क्रोधित होकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी है। वहीं प्रेमी युवक मौका पाकर फरार हो गया है। इस मामले में आरोपी भाई के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक चंक्रेंद्र मिश्रा ने बताया है कि शुक्रवार सुबह गाँव निवासी ने एक व्यक्ति ने आकर पुलिस को सूचना दी। उसके बाद बेटे नितिन ने अपनी बहन छाया की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसे मौके पर ही पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर संभल से है, जहां पर बता दें आपको कि डीएम ने निलंबित करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में धांधली बरतने के आरोप में सचिव के खिलाफ डीएम ने निलंबित की कार्रवाई की है। आपको बता दें संभल जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 4,151 नए आवासों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जिसमें पात्रा सूची में अंकित लाभार्थी की जांच किए जाने के लिए अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र लाभार्थियों की सूची को उपलब्ध कराएंगे। इनमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पावासा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सोधन मोहम्मदपुर के ग्रामीण प्रमोद को पात्र होने के बावजूद भी अपात्र दर्शा किया गया है। और साथ ही इसकी शिकायत पीड़ित द्वारा डीएम से की गई है, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच कराई गई है। और बता दें आपको ये खबर संभल से है, जहां पर लगातार डीएम के निर्देश के बाद से ये कार्रवाई की गई है। पीएम आवास योजना को लेकर ये कार्रवाई की गई है, जहां पर सचिव के द्वारा खेल खेला जा रहा था और उसके बाद से इस मामले को लेकर पर्दाफाश किया गया और इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 4,151 नए आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें पात्रा सूची में अंकित लाभार्थी की जांच किए जाए के लिए अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अफसरों को निर्देश दिए गए थे, वे पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराएंगे। इनमें से किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सोधन मोहम्मदपुर के ग्रामीण प्रमोद को पात्र होने के बावजूद भी अपात्र दर्शा दिया गया था, जिसके बाद से ये शिकायत पीड़ित ने की थी डीएम से और डीएम ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को निलंबित कर दिया है। और साथ ही इस मामले पर लगातार डीएम अपनी निगरानी बनाई हुई नजर आ रही है। साथ ही ये जो मामला है, जहां जांच कराई जा रही है लगातार इस मामले को लेकर। और बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर यहां पर पीएम आवास योजना में ही घपला किया गया था, जहां पर जांच के बाद से डीएम लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और संभल का ये मामला है, जहां पर लगातार डीएम जो है कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और पीड़ित ने इसकी शिकायत जब डीएम को की, उसके बाद से ही इस मामले पर कार्रवाई हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों के तहत 4,151 नए आवासों का लक्ष्य रखा गया था, और जिसमें पात्रा की सूची में अंकित लाभार्थी की जाँच किए जाए बिना अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे। और साथ ही बता दें कि इस दौरान एक व्यक्ति की नाम जो है उसमें नहीं था, जिसके वजह से लगातार इस मामले को लेकर डीएम ने अब निर्देश दिए हैं और इसके बाद से कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मदपुर का है वो व्यक्ति, मोहम्मदपुर के ग्रामीण प्रमोद को पात्र होने के बावजूद भी अपात्र दर्शा दिया गया था, जिसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है। शिकायत पर, पीड़ित की शिकायत पर लगातार ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान जाँच पड़ताल कराई जा रही है। अब खबर ललितपुर से है, जहां पर बता दें कि पाली बहुचर्चित सामुदायिक दुष्कर्म कांड में जेल में बंद एक कैदी को 25 वर्षीय था, जिसका शव जेल में फांसी से फंदे से लटका हुआ मिला है। इसके बाद से कैदी और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं कैदी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। वहीं परिजनों की गैर मौजूदगी में शव को फांसी के फंदे पर उतारने के बाद से परिजन भड़के हुए नजर आ रहे हैं। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, साथ ही जेल में प्रशासन के ऊपर
बता दें कि प्रशासन पर भी अवैध रूप से वसूली का लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं, जिसमें मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की बात भी कही जा रही है। और ललितपुर का ये मामला, जहां पर बता दें कि एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद से उनके परिजन जो है वे भड़के हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि उनके परिजन ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही बता दें कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर वसूली की जा रही थी, जिसकी वजह से वो कैदी जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ और इसकी वजह से उसको आत्महत्या करना पड़ा। ललितपुर का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि बहुचर्चित सामुदायिक दुष्कर्म कांड में जेल में बंद कैदी राजभान, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, उसे जेल में ही उसने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। कैदी और जिला प्रशासन में इसके बाद से हड़कंप मच गया है। और बता दें कि इस कैदी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसके बाद से वे काफ़ी दिनों से बंद था जेल में, जिसके बाद से अब उसने आत्महत्या कर ली है। वही परिजनों ने इसमें परिजनों की गैर मौजूदगी में जब शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया, जिसके बाद से परिजन लगातार इस मामले को लेकर गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जेल में प्रशासन पर अवैध रूप से वसूली की जाती है जेल में प्रशासन की तरफ से, इसकी वजह से जो कैदी है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ था और इसको लेकर ही उसने आत्महत्या कर दी थी। झांसी के बरुआ सागर थाना, बता दें कि पुलिस ने गत दिवस हुई प्रवेश कुशवाहा की हत्याकांड की घटना से पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम अवैध संबंधों के चलते दिया गया था। शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान SSP राजेश एस ने जानकारी के दौरान बताया कि 4 जनवरी को मनशल माता मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक युवक की शव मिला था एक युवक का, और जिसकी शनाख्त प्रवेश कुशवाहा निवासी निमोना खेंडा बारुआ सागर के रूप में की गई थी। प्रवेश की बता दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत गला दबाकर की गई है। पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर हत्या पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना करते हुए मृतक के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन, कॉलर्स डिटेल, आधार कार्ड के द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मृतक के घर के पास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और बता दें कि एक खबर थी जिसमें पुलिस अब लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही अब खबर आपको उन्नाव से बता देते हैं, जहां पर यहां एक गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के महेश खेड़ा गांव के निकट आजाद मार्ग के किनारे आज सुबह एक पुरुष का जला हुआ शव बरामद किया गया है और यह शव जो है कपड़े में लटका हुआ मिला है। साथ ही बता दें कि कपड़े में लिपटे हुए शव के मिलने के बाद से वहाँ हड़कंप समझ गया। सुबह मार्ग से निकलने वाले राहगीरों ने जब इस शव को देखा तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। राहगीरों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। COCT आशुतोष कुमार और कोतवाली गंगा घाट अवनीश कुमार वहां मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई लेकिन कोई कुछ बता नहीं सका है जलने के कारण। पुलिस का बता दें कि जलने के कारण पुरुष का जो पूरा हुलिया है और चेहरा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से शव की शनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बता दें कि उन्नाव का यह मामला है जहां पर एक पुरुष का जला हुआ शव बरामद किया गया, जिसके बाद से वहां आसपास के राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया है। और साथ ही बता दें कि ये शव जो है वो कपड़े से लिपटा हुआ मिला था, जिसके बाद से राहगीरों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। बता दें कि जानकारी मिलते ही मौके पर COCT पहुंचे थे और इस दौरान कोतवाली गंगा घाट अवनीश कुमार मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से उन्होंने पूछताछ भी की, लेकिन इस दौरान किसी ने कोई प्रकार की जानकारी नहीं दे सके। और साथ ही जलने के कारण पुरुष का जो हुलिया है, चेहरा है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद से शव की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। और शिनाखत नहीं होने के कारण लगातार अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि इस शिनाखत नहीं होने के कारण बस सिर्फ यही था कि जो शव है उसका हुलिया समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो शव जला हुआ मिला हुआ था। शिनाख्त
बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही लगातार इस शव के शिनाख्त करने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। कपड़े में लिपटा हुआ शव मिला था उन्नाव का यह का मामला है, जहां पर बता दें कि एक पुरुष की जले हुए स्थिति में शव बरामद की गई, जिसके बाद से वहां आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।